इधर बोकारो में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग ने सेक्टर एक स्थित बीएसएल के भूमि पर वन क्षेत्र कार्यालय सह आवास का निर्माण किया है, लेकिन बीएसएल के भूमि पर आवास बनाने से पहले बीएसएल से वन विभाग ने एनओसी नहीं लिया। ये निर्माण बीएसएल के टाउनशिप सीसीएम के साथ बैठक हुई और इस वार्ता के बाद दिया गया। अब वन विभाग के डीएफओ रजनीश कुमार ने पत्रांक 46 बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक को भेजकर एनओसी मांगी है, लेकिन बीएसएल ने अब तक का एनओसी जारी नहीं किया है। एनओसी इसलिए नहीं मिला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल नहीं मिला है। जो हाईकोर्ट का आदेश है उसके अनुसार सरकारी भूमि बीएसएल को दी गई है। हाईकोर्ट का आदेश की प्रति मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसके अनुसार हाईकोर्ट द्वारा यह भी कहा, माननीय हाईकोर्ट द्वारा यह भी कहा गया है कि जब झारखंड सरकार के ऑफिशियल्स को, ऑफिसर को जब भी कोई ऑफिशियल कार्य के लिए ऑफिस बनाने होते हैं उसके लिए निःशुल्क ज़मीन बीएसएल उपलब्ध कराई जाएगी। यही मैटर था। हमने पत्र लिखा है कि कार्यालय बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, जिस संबंध में कोई निर्णय की अभी तक क्या निर्णय लिया गया है उसकी प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो क्या लगता है आपको, बीएसएल इस तरह का अगर रवैया अपनाएगा तो कितने दिन, कितना लेट होगा, कितने पैसे भी इन्वेस्ट हो जाएंगे? एक तो प्रथम दृष्टिया यह है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। यह कंटेम्प्ट ऑफ हाईकोर्ट की कैटेगरी में आएगा, पहली बात तो ये है। उसके बाद सरकारी कार्य में व्यावधान तो आप जान ही रहे हैं, हर किसी का एक समय निश्चित होता है। उस निश्चित समय में कार्य नहीं होने पर कार्य में अवरोध पैदा होता है। एक तरह से सरकारी कार्य में अवरोध को मान सकते हैं इसे। जो हाईकोर्ट का आदेश है उसके अनुसार सरकारी भूमि बीएसएल को दी गई है। हाईकोर्ट का आदेश की प्रति मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसके अनुसार हाईकोर्ट द्वारा यह भी कहा, माननीय हाईकोर्ट